हाँ जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्रक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो कि पुरानी फोटो है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास होती हैं, बचपन की फोटोज होती हैं, अपने पेरेंट्स की पुरानी फोटोज होती हैं, और होता क्या है कि उसको किसी भी तरह से रिस्टोर करने के, कह लो कि हमारे पास कोई जरिया नहीं होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन में वो फोटो क्लिक करोगे और उसका ऐप का यूज़ करके आप उसको एक तरह से कह लो कि रिपेयर कर दोगे, और जो डिस्टॉर्टेड सी ब्लरी सी फोटो होगी, जो कि ऑब्वियसली ओल्ड फोटो होगी, और नॉइजी सी, जितनी भी नॉइजी फोटोज होगी उसको काफ़ी हद तक जो है वो डिसेंट तरीके से रिपेयर कर देता है, कह लो कि एक तरह से नई बना देता है उस फोटो को। तो ये ऐप शायद आपके काम में आ सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हो इस चैनल पे, जो कि आप ऑब्वियसली होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाइए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीन क्या है कि ये ऐप का मुझे पता कैसे चला, तो सबसे पहले आई सी यूनिवर्स ने ट्विटर के ऊपर एक ऐसा ट्वीट किया कि वीवो का X50 प्रो जो नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पुरानी फोटोज़ को ऐसे रिस्टोर कर देता है। यहाँ पे फोटो देखो। तो सीन क्या है कि मैंने जब वो ट्वीट देखा तो मुझे लगा ऑब्वियसली अच्छी बात है कि नई टेक्नोलॉजी आने वाली है स्मार्टफोन्स में। और अगर आपको बाई चांस नहीं पता है कि वीवो X50 प्रो का क्या सीन है, तो तीन स्मार्टफोन्स रिसेंटली फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स वीवो ने चाइना में लॉन्च किए हैं, जिसमें गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी है। और अगर आपको जानना है कि गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो आई कार्ड में वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, और उसके कमेंट सेक्शन में मैंने जो है वो देखना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐप्स के लोगों ने रिकमेंडेशन किए थे कि ये ऐप्स जो हैं वो ये सेम काम कर सकते हैं जो कि वीवो X50 प्रो कर रहा है। और जितने भी कमेंट सेक्शंस में जो ऐप्स थे, मैंने सारे वो ट्राई किए, और सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो लगा मुझे रेमनी ऐप। और ये ऐप इतना अच्छे से काम करता है, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो मेरी, तो मेरे पास कोई सैंपल जो कह लो कि फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने वही माइकल जैक्सन वाली उठा के जो है वो उसमें पेस्ट कर दी। तो उसमें जो है वो ये ऐप बिल्कुल फ्री है सबसे पहले, तो उसमें जो है वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो मेरी, कितनी हद तक जो है वो इस ऐप ने वो फ़ोटो को अनब्लर कर दिया। और अगर मैं आपको दोनों फ़ोटोज़ का कंपैरिजन दिखाऊं, ये एक तरफ जो है वो यहाँ पे देखो, आप वीवो X50 वाली दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि जो वीवो X50 ने सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही क्लियर किया है, जो ऑब्जेक्ट की जो ब्लरी सी जो विजन थी, कह लो कि इमेज थी, उसको क्लियर कर दिया, और बैकग्राउंड जो है वो अभी भी नॉइजी ही है। और अगर आप यहाँ पे देखो उस ऐप वाले फ़ोटो में, तो उसने बैकग्राउंड को भी काफ़ी हद तक क्लियर किया है। और अगर आप भी किसी ऐसी फ़ोटो है आपके पास पुरानी, जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हो, तो आप फ़ोन पे अपने क्लिक कीजिए वो फ़ोटो को, और इस ऐप पर साइन अप कीजिए, और फिर उसके बाद इसमें अपनी फ़ोटो को डालिए, और फिर ये अपने आप खुद ब खुद जो है वो आपको वो ये जो फ़ोटो है वो रिपेयर करके दे देगा। और अगर आप ये ऐप जो है वो यूज़ कर रहे हो या फिर करोगे ये वीडियो देखने के बाद, तो उसको यूज़ करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपका काम बना या नहीं। प्लीज़ 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 हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। हमें और भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।